जनपद चमोली के दूरस्थ विकास खंड देवाल के ओडर गांव के लोग अब भी विकास के लिए जूझ रहे हैं। बता दें कि यहां के ग्रामीणों को उफनती पिंडर नदी पर अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार मॉनसून शुरू होने से पहले ही पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदियों का जल स्तर बढ़ने लगा है और इसी तरह पिंडर नदी का जल स्तर बढ़ने से पिंडर नदी लकड़ी के पुल के ऊपर से बह रही है और ग्रामीण ट्रॉली का संचालन शुरू ना होने से जान जोखिम में डालकर इस खतरनाक लकड़ी के पुल से आवाजाही को मजबूर है। इन्हीं समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने जल ट्रॉली का संचालन कराने का मांग किया है। विषय को लेकर अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी से हम लोगों ने मुलाकात की है, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारा ऑर्डर ट्रॉली को लेकर सब ग्रामीणों के साथ हम भी यहाँ पर पहुंचे थे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पहले भी 15 जून से हमारी ट्रॉलियां शुरू होती थी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि नदी का जलस्तर बहुत पहले ही उठ चुका है और इस चक्कर में थोड़ा दिक्कतें हो रही, परेशानियां हो रही हैं। और परसों जैसी हमारे क्षेत्र पंचायत जी प्रधान जी ने अवगत कराया तो हमने तुरंत ही विभाग को ये कहा कि भाई इसको तुरंत यहाँ ट्रॉली सुचारू करें। हमारे पास जो ट्रॉली के लिए हमें शासन से अनुमति है वो है कि बरसात की अवधि के लिए 15 जून से हम 15 सितंबर तक चलाते हैं और उसकी हमने निविदा भी आमंत्रित कर रखी है। हम मतलब सामान्य परिस्थिति में 15 जून से चला देते हैं, लेकिन चूंकि इस बार जो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मई से ही लगभग 15 मई से बारिश की आ रही, तो जैसे भी गाँव वाले बताया जलस्तर बढ़ गया है, तो हम उसको वैकल्पिक रूप में फिलहाल हम चलाने के प्रयास कर रहे हैं। उसको कोशिश करते हैं कि एक मतलब बहुत जल्दी उसको चलाने के हम प्रयास करेंगे, जितना जल्दी चल जाए तो उसको ट्रॉली चला दें। जो हमारा ये कच्चा पुल है हम इसको सितंबर में बनाते हैं, उसके बाद यह बरसात में बह जाता है, फिर उसके बाद हमको ट्रॉली का सहारा लेना पड़ता है। ट्रॉली सहारा लेने के बाद भी आज एक्शन साहब के पास भी आए थे, पूरे गांव वाले आए थे, एक्शन साहब ने बोले वहाँ मोटर ही हमारे मोटर खराब हो गया, तो कह रहे हैं ये 2 दिन में हम इसको सुचारू रूप से इसको तैयार करेंगे। फिर पुल की बात है, वर्ल्ड बैंक ने इस पर टेंडर लगा रखा है जून 2023 में, तो अभी 2024 हो गया, अभी इसमें टेंडर पड़ने के बाद भी खरीदार को नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। समस्या बहुत जबरदस्त है, जो हमारा जो ट्रॉला है उसकी मोटर वहाँ खराब हो चुकी है और वो जो है लोगों का आवाज हवा बिल्कुल बंद हो चुका है। जो हमने छोटा पुल काट का लकड़ी का पुल लगाया था वो पुल गिर गया वहाँ से, इसलिए आवाज आई वहाँ पर बंद हो गया, ठप गया, ट्रॉला भी बंद है। ये कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी वाले कि हमको यहाँ मोटर नहीं है हमारे पास, अब कौन चोरी ले गया, कौन क्या कर गया, इसके बारे में हम लोगों को पता नहीं, गांव वालों को।